party chale get sex in the morning ji bhar ke nach le baby nach nach ke tod de sandal aunty police bula legi to yaar tera kar lega handle nach nach ne hit mein jari jisko apni jaan pyari chuke mare michael jackson wale do teen action karke dikhaye party karni hai hum party karenge kisi ke bhi papa se nahi karenge hum baaki sare ਨਾ ਰੋਜ਼ੇ ਨਰਮੀਆਂ ਨਿਮਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਹੋ ਵੈਲਕਮ ਸਭ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਆਂ ਸੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਜੀਏਗਾ ਪੰਡਾਲ ਦੀ ਜ਼ੀਨਤ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਤਹਾ ਕਾਬਲ ਇਹਤਰਾਮ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਦਾਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਜਨਾਬ ਡਾਕਟਰ ਸਿਆਉਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹਲੋ ਪੀ ਐਚ ਡੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥ ਜਨਾਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਯਾਸੀਨ ਸਾਹਿਬ ਐਮ ਫਿਲ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗਰਸਵਿੰਦ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਸਾਇੰਸ ਅਕੈਡਮੀ प्रोफेसर इलियास साहब एमफिल उर्दू जनाब प्रोफेसर मुश्ताक हुसैन साहब पीएचडी बायोलॉजी जनाब प्रोफेसर शेख इशाक साहब एमफिल इस्लामियात जुबैर अहमद वाइस प्रिंसिपल बॉयज विंग दिलावर हुसैन साहब जनाब आमिर साहब वकास साहब फयाज अहमद बशीर अहमद आने वाले तमाम मुअज्जज मेहमानों को दोस्तों को खुशामदीद जी जी थोड़ी सी कम करें ये मिलाद वाली इको बन गई है और बेस बना दे थोड़ी सी बहुत मेहरबानी मुअज्जज मेहमानों को दिल ये था कि रही उसे खुशामदीद वेलकम सब बिस्मिल्लाह जी आया हूं अच्छो खैर नाल पखैर रख ले और इस पूरे प्रोग्राम को कैमरे की आंख में महफूज कर रहे हैं अर्जेंट फोटो स्टूडियो चौकासम जबरदस्त जी आजान का वक्फा लेते हैं थोड़ा सा और उसके वीडियो चलो तैयार हो गया थोड़ा ये रंगारंग महफल जबरदस्त प्रोग्राम जिसमें ये ताली आज भी फ्री है इसके फ्री होने का भरपूर फायदा उठाना है जोरदार ताली बजाएं एक बार प्रोग्राम को लेकर चल रहे हैं जी सालाना फंक्शन आपकी सेवा में पेश किया जा रहा है तो मैं गुजारिश करूंगा साथी कंपेयरों से वो भी मुझे ज्वाइन करें अनसामीद अहमद जावेद एंड गुलबाज खान नहमदु व नसल्लि व अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मेरे नायती काबिले एहतराम साजा ग्राम मुअज्जज़ मेहमानान गिरामी और हुक्मे इकरा को निशाने मंजिल बनाने वाले मेरे साथियों अस्सलाम वालेकुम परवाज़े खुश आवाज मुझे ताब फलक दे परवाज़े खुश आवाज मुझे ताब फलक दे थक जाऊं तो जज्बों को मेरे ताजा कुमन दे तहरीर से मेरी लगे कि एहसास जवां हो तकरीर में मेरी शोलों की तकरीर में मेरी शोलों की लपकते मैं खुदाए सुखन करता हूँ उस तावरे महशिर के नाम से मैं उसके नाम से करता हूँ इब्तदाए सुखन मैं उसके नाम से करता हूँ इब्तदाए सुखन जो जमीने गुन से उगाता है जमीनों जमन वो जो हिदायत को बंदगी का नूर देता है वो जो सिखाता है आगही को मुस्तफा का जलन झुका मैं उसके सामने तो सुर्ख रूबी हुआ झुका मैं उसके सामने तो सुर्ख रूबी हुआ न हाथ शल हुए मेरे न जुबां में शिकन रकम दराज है मुझे रंग दे मुझे रंग दे मुझे रंग दे अपने रंग में तू जो महरो माँ की कायनात का हुस्ने तारे अजीम है तू जो महरे माँ की कायनात का हुस्ने तारे अजीम है तू जदीद से भी जदीद है तू कदीम से भी कदीम है तू हफीज भी तू हबीब भी तू रहीम भी तू करीम है तू बसीर भी तू नसीर भी तू कबीर भी तू अलीम है मुझे रंग दे तू मेरे ख्यालों के गुलशनों में बसा मिसाले शमीम है इब्तिदा है कलम को पैदा करने वाले
नाम से कलम की नोक ने नुक्ता लिखा और चंद कलिमात निकले। पढ़ पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया इंसान को जमे हुए खून के लोथड़े। पढ़ और तेरा रब बड़ा करीम है, सिखाया जिसने इंसान को कलम से, सिखाया वो कुछ जो वो नहीं जानता। अब तिलावत के लिए दावत देते हैं स्टेज पर कि अकील अशरफ आकर तिलावत कलाम पाक से आप सबके दिलों को मुनव्वर करें। अकील अशरफ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الرحمن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر والنجم والشجر يسجدان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووزع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا والأرض وزعها للأنام فيها فاكهة والنخل فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم تاريخ उस रब्बे जुलजलाल की हो रही थी जिसके कब्जे कुदरत में मेरी और आप सब की जान है। तारीफ उस खुदा की जिसने खनखनाती मट्टी से इंसान को बनाया, जिसने फूल में खुशबू, चकमात में सख्ती, शराब में मस्ती, मोम में नरमी, कौसे कजा में रंगीनी और सितारों में रोशनी पैदा की। तारीफ उस खुदा की जो दर्द को दुआ, बादल को रिदा, सर सर को सबा और जुल्मत को ज़िया बख्शता है। आह जाती है फलक पर, आह जाती है फलक पर रहम लाने के लिए,
बादलों हट जाओ, बादलों हट जाओ, दे दो राह जाने के लिए ए दुआ हाँ अर्थ कर, ए दुआ हाँ अर्थ कर, अर्शे इलाही थाम के ए खुदा अब फेर दे, ए खुदा अब फेर दे रूह मिर्द से अयाम के। ये थे तलाते कलाम पाक के मुसज्जद और मुहर्रा अल्फाज जो आपके दिलों को मुनव्वर कर रहे थे। कुछ नहीं मांगता शाहों से गदा तेरा, कुछ नहीं मांगता शाहों से गदा तेरा, उसकी दौलत है फकत एक नक्शे कफे पा तेरा, पूरे कद से जो खड़ा हूं तो ये तेरा है करम, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा। और लोग कहते हैं कि साया तुझ पैकर का न था, मैं तो कहता हूं जहां भर पे है साया तेरा, दस्तगीरी मेरी तन्हाई में तूने ही तो की है, दस्तगीरी मेरी तन्हाई में तूने ही तो की है, मैं तो मर जाता अगर साथ ना होता तेरा, दस्तगीरी मेरी तन्हाई में तूने ही तो की है, मैं तो मर जाता अगर साथ ना होता तेरा। और लोग कहते हैं आलम है बाला तेरा, मैं तो तुझे आलम में अशिया में भी पा लेता हूँ। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुल्हाए अकीदत पेश करने के लिए मैं दावत दूंगा क्लास फर्स्ट ईयर से रफहान यासीन। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। काश मैं दो
लकड़ी, काश ऐ काश मैं होता कोई ऐसी लकड़ी जिसको सरकार पेशावर की सैर। उम्मीद है आपने इस सबक से बहुत ही ज्यादा सबक हासिल किया होगा और इस सबक से आपका बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ होगा। तो बच्चों इस सबक के हवाले से आपके जहन में कोई सवाल है या फिर आप कोई चीज पूछना चाहते हैं तो वो आप पूछ सकते हैं। सर फरमाइए, क्या मैं भाषण जा सकता हूँ? जी जाए। थैंक यू। तो बच्चों एक अनाउंसमेंट करनी थी। जैसा कि आपको मालूम है कि हाल ही में हमारे कॉलेज में एक लाइब्रेरी की ओपनिंग हुई है, तो उसके लिए कुछ बुक्स की नीड है। तो आपके घरों में लाजमी ऐसी बुक्स होंगी जो पढ़ी नहीं जाती। इस तरह की तमाम बुक्स आप हमारी लाइब्रेरी में जमा करा सकते हैं ताकि उनको दोबारा पढ़ा जा सके। आप ये मेरा काम करके आएंगे? यस सर। बुक्स लेकर आएंगे? यस सर। चलो क्लास का एंड करें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। आपके जिम्मे कल मैंने एक छोटा सा काम लगाया था, वो करके आए हो? यस सर। बुक्स लेकर आए हो? यस सर। हाँ भाई उमेर, सामने सामने। मुअज्जज़ थे मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए हो तारके गुनाह होकर। फर्स्ट ईयर से मुंसिर बिला एक काबिले गौर मौजू पर टैबलो पेश कर रहे थे।
यकीनन आज हमारे घरों में ये किताब तो मौजूद है, लेकिन हमारे पास पढ़ने के लिए वक्त नहीं है। अगर देखा जाए कि दुनिया में सबसे पढ़ी जाने वाली किताब कौन सी है, तो वो यकीनन कुरान मजीद ही होगी। लेकिन अगर ये देखा जाए कि ये किताब मुसलमान ममालिक में ज्यादा पढ़ी जाती है या गैर मुस्लिम ममालिक में, तो यकीनन इस पे रिसर्च के लिहाज से, इसको पढ़ने के लिहाज से गैर मुस्लिम आ गए हैं, और वो इसीलिए फायदे में हैं।